हेलो फ्रेंड्स, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 76। तो आपको बताना है एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा, जहाँ एक्स एंड वाई इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, तो आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी फ्रैक्शन में ना, यानी एक या एक से बड़ा संख्या होनी चाहिए और इंटीजर को रोक। तो ये है कंडीशन। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं इस तरीके से। फिर यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं x, तो क्या बचेगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 76। अब हम इस तरीके का टर्म यहाँ बनाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्लस वन दोनों साइड अगर हम जोड़ दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इक्वेशन पर। ठीक, तो इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स 1 प्लस वाई प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू 76 प्लस वन। इवन वन कैंसिल आउट हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 प्लस वाई को वाई प्लस वन लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको समझो चेंज कर दिए हैं 1 प्लस वाई, तो फिर क्या करते हैं 1 प्लस वाई कॉमन ले लेते हैं, ये दो टर्म है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, एक्स बचेगा यहाँ पे, वन बचेगा, इसको सिर्फ राइट साइड में ला सकते हैं। तो चलो ये इस तरीके से लिख सकते हैं, 77 हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा आपको कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, यानी एक है या एक से बड़ा है। यहाँ वैल्यू अगर मिनिमम एक रखते हैं, एक से बड़ा रखते हैं, तो यानी ये दोनों, ये टर्म पूरा मिला के ग्रेटर देन कितना आया, ग्रेटर देन 2 आएगा या 2 के बराबर। सेम चीज यहाँ पे आएगा, ग्रेटर देन 2 या 2। ठीक, ये बन गया कंडीशन। अब हम 77 को क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं लिखना है कि हम ऐसे भी लिखते हैं 1/7 11 × 49। ये टर्म नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा, हम जो कंपेयर कर लेते हैं। ठीक, तो ये दो चीजें ले सकते हैं, इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं 11 × 7 या 7 × 11। ठीक, ये दो ही पॉसिबल है। तो आइए देखते हैं 1 प्लस वाई × 1 प्लस एक्स या एक्स प्लस वन, लिखो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख सकते हैं 11 × 7, ये कंडीशन नंबर 1 में लिखते हैं। ठीक, और या 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7 × 11, ये कंडीशन नंबर 2 हो गया। ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करें, ये टर्म में टर्म बराबर कर दें, अगर कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा, पहले कंडीशन नंबर 1 से 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 और 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों टर्म को जोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि हमको एक्स प्लस वाई निकालना है, तो ये 2 हो जाएगा प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15 आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16 आ जाएगा, जो कि हमको निकालना था, लेकिन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहले देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या था, ये वाला था
वन प्लस वाई इक्वल टू सेवन हो जाएगा ये टर्म, और वन प्लस एक्स इक्वल टू इलेवन हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू एटीन, या एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्सटीन, ठीक, यानी दोनों कंडीशन सेम है। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्सटीन, ठीक। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते थे, इसका एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।